सज्जन राजी हो और उड़ाने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम ऐसे HDR ब्राउन इफेक्ट वाली वीडियो या आप इसे वेलोसिटी एडिट भी कह सकते हैं कि ऐसी वीडियो हम कैपकट एप्लीकेशन में कैसे एडिट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो गाइस अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ से बाद इसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से वो वीडियो उठा लेनी है जिस पे आपने इफेक्ट अप्लाई करना है। तो सिंपली मैं वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर देता हूँ। वीडियो ऐड होने के बाद आपको कुछ यूँ नज़र आएगी, मैं इसका वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ। तो सिंपली आपको ये वीडियो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अभी कुछ वीडियो काफ़ी लंबी है तो इसको मैं यहाँ से ये एंडिंग इफेक्ट डाउनलोड डिलीट कर दूंगा और ये टिकटॉक वाला इफेक्ट भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके स्प्लिट करके डिलीट कर दूंगा। और अभी भी ये वीडियो काफ़ी लंबी है, मैं आपको इसलिए वीडियो कट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, वीडियो पे इतना टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मैंने वीडियो बस इतनी रख ली है। तो इसके बाद सिंपली गाइज आपने एक स्टेप में ये वीडियो एडिट हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने। तो सिंपली आपने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है और नीचे ही आपको स्टाइल नज़र आएगा। यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटो वेलोसिटी आपको ऑप्शन नज़र आएगा, ऑटो वेलोसिटी पे क्लिक कर देना है और ये आपको ऑटो वेलोसिटी वाला इफेक्ट आपका थोड़ी देर में वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे आपने वीडियो में क्या करना है। तो ये देख सकते हैं आप कि सिंपली पहली वीडियो कैसी थी और ये वेलोसिटी ऐड होने के बाद आपकी वीडियो कैसे हो जाएगी। तो बहुत ही मज़े का इफेक्ट अप्लाई हुआ है इस पर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो सिंपली आपने गाइस बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले, और यहाँ से स्टॉक वीडियोस में जाके यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से ऐड कर देना है। तो ये यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड ऐड हो गया है। तो सिंपली आपने इसको ऐसे फुल स्क्रीन कर देना, फुल स्क्रीन करके इसको आपने ऐसे खींच के पूरी वीडियो पे अप्लाई कर देना है ऐसे। ये फुल वीडियो पे अप्लाई करने के बाद आपने नीचे स्प्लाइस का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, स्प्लाइस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ओवरले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने सिंपली यहाँ से इसकी ओपेसिटी सिंपली 40% रख लेनी है, 40 or 45%, जहाँ पे आपकी वीडियो पे अच्छी लगे। तो यहाँ पे हमने ये रख ली। अभी आप देखें यहाँ पे कितनी डार्कनेस और मज़े की वीडियो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है इस पर। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पे फ्लैश वाला इफेक्ट कैसे वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने फिर बैक जाना है, ऐड ओवरले पे जाना है और यहाँ से अब आपने स्टॉक वीडियोज़ पर जाके वाइट बैकग्राउंड उठा लेना है, ऐड कर देना है। इसको भी आपने यहाँ से फुल वीडियो पे अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एनिमेशन पे जाना है। एनिमेशन पे जाने के बाद आउट पे क्लिक करना है और आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फर्स्ट फेड आउट आपको नज़र आएगा। तो ये आपने अप्लाई करना है, ओके कर देना है। सिंपली आपने इसको 0.7 सेकंड पे ये ला के सेट कर देनी है। तो अभी आपने करना कुछ यूँ है, अभी आपने ये इस पर क्लिक करना है वाइट वाले बैकग्राउंड पे और इसको इसकी कॉपीज कर लेनी है, 7-8 कॉपीज कर लेनी है। और यहाँ से मैं कॉपीज कर देता हूँ इसकी, ऐसे 5-7 कॉपीज कर लेता हूँ। और सिंपली अभी आपने कुछ करना यूँ है कि ये लास्ट वाली फैट को उठाना है यहाँ से और यहाँ से वीडियो के एंड पे ला के इसको यहाँ पे सेट कर देना है ये ऐसे। इसी तरह सभी मैं दूसरे इफेक्ट को उठाता हूँ और यहाँ से आपने इसको भी थोड़ा सा इससे दूर ला के यहाँ पे सेट कर देना है। इसी तरह से आपने सभी इफेक्ट्स को यहाँ से ला के सेट कर देना, थोड़ा सा थोड़ा दूर रख के इसको, थोड़ा सा इसमें गैप रख के सभी ऐसे सेलेक्ट रख देना। मैं अभी आपको ये सभी सेट करने के बाद दिखाता हूँ।
अभी गाइस सिंपली आपने करना कुछ यूँ है कि ये आपको फ्रंट वाला नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है ये फ्रंट वाले पे, और सप्लाइज के पे ऑप्शन पे जाकर इसको ओवरले कर देना है। इसी तरह एक छोड़ के आपने दूसरे पे फिर क्लिक करना है, इसको भी जाके वहाँ से आपने सप्लाइज पे क्लिक करके ओवरले कर देना है। इसी तरह गाइस एक छोड़ के एक पे क्लिक करना है आपने, इसको भी सप्लाइज पे ला के ओवरले कर देना है। इसी तरह मैं आपको सभी पे करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ये सभी पे अप्लाई कर दिया है, तो अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाइट इफेक्ट और ये ओवरले वाला कितना मज़े का लग रहा है। अगर आप ये वाइट वाला फुल इफेक्ट ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये डिलीट करना चाहें, तो ये आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको सप्लाइज पे ला के ओवरले पे क्लिक करके ये ऐसी दूसरी तरह सेट कर सकते हैं। तो गाइस ये देखें कितनी मज़े की ब्लास्टी एडिट वीडियो हुई है। तो गाइस अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।